हेलो फ्रेंड्स, आपको जानकारी है हर अटेम्प्ट को लेकर आईसीआई एक जुडिशियल रूलिंग का पब्लिकेशन निकालती है। ऐसा ही पब्लिकेशन नवंबर 2020 अटेम्प्ट के लिए भी है। इस पब्लिकेशन में चार महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट कवर किए गए हैं। ये चारों जजमेंट बहुत डिफिकल्ट है और इंस्टीट्यूट ने उसको और ज़्यादा डिफिकल्ट कर दिया है। विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ आईसीआई, द वे दे हैव समराइज दिस फोर जजमेंट्स, इट मेड इट मोर डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड एंड डाइजेस्ट दैम। ट्रूली स्पीकिंग, इन एडिशन टू द मेंटर ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर लास्ट 23 ईयर्स, आई एम ए लीगल प्रैक्टिशनर एज वेल। तो मैंने ये चारों जजमेंट की प्रिंट निकाल के पढ़ी है एंड देन मैंने अपने अंदाज में उसको समराइज किया है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड फोर एस्पेक्ट्स ऑफ द केस। पहला, वॉट वॉज द फैक्ट्स ऑफ द केस। दूसरा, वॉट वॉज द इशू इन्वॉल्व इन द केस। तीसरा, वॉट वॉज द रीजनिंग गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। एंड फोर्थ, वॉट वॉज द कंक्लूजन रीच बाय द सुप्रीम कोर्ट। ध्यान दे, ये चारों जजमेंट बहुत डिफिकल्ट हैं, इसलिए हम आसानी से उसको समझ नहीं पाएंगे। तो इट रिक्वायर पेशेंस ऑन योर पार्ट। तो हम आराम से उसको पढ़ेंगे, थोड़ा पेस हम कम रखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार मैं पढ़ लूँगा, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन द वे आई वुड लाइक टू, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द फैक्ट्स प्रॉपरली। एक बार फैक्ट्स समझ में आ जाएगी, फिर लीगल प्रोविजन हम देखेंगे, वो समझ में आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्लैरिटी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूजन क्या दिया होगा। तो लेट अस लुक एट द वेरी फर्स्ट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ सेसा साई स्टील प्राइवेट लिमिटेड। एंड दिस जजमेंट वॉज रिपोर्टेड इन 421 ITR 46 एंड द ऑथर ऑफ दिस जजमेंट इज सुप्रीम कोर्ट ईयर 2020। देखते हैं उसके फैक्ट्स क्या थी। SSC जो है सेसा साई स्टील प्राइवेट लिमिटेड, दैट वॉज द पार्टी ऑफ द फर्स्ट पार्ट, दे एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल द प्रॉपर्टी टू ए बिल्डर कॉल्ड विजय शांति बिल्डर लिमिटेड ऑन 15th May 1998। विजय शांति इज ए पार्टी ऑफ द सेकेंड पार्ट इन द एग्रीमेंट। एंड वॉट SSC सेलिंग, SSC सेलिंग इज प्रॉपर्टी फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ 6 crore and 10 lakh। इट वॉज ऑल्सो एग्रीड दैट कंसिडरेशन जो है 6 crore 10 lakh, इट विल बी पेड डायरेक्टली बाई द मेंबर्स ऑन बिहाफ ऑफ विजय शांति और बाई विजय शांति हिमसेल्फ, दैट इज कॉल्ड पार्टी ऑफ सेकेंड पार्ट, विच एवर इज अर्लियर। इसके अलावा इस एग्रीमेंट के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन सुप्रीम कोर्ट के उनके जजमेंट में कवर किए हैं, पॉइंट नंबर 12, पॉइंट नंबर 14 एंड पॉइंट नंबर 16। उसमें जो महत्वपूर्ण है वो पॉइंट नंबर 16 है, इसलिए हम सिर्फ 16 को अभी पढ़ेंगे। 16 में लिखा है कि पार्टी ऑफ फर्स्ट पार्ट यानी हमारा SSC SSI, दे हैव गिवन परमिशन टू द पार्टी ऑफ सेकेंड पार्ट टू स्टार्ट एडवर्टाइजिंग सेलिंग कंस्ट्रक्शन ऑन द लैंड विच इज मैंशन इन द एग्रीमेंट। एडवर्टाइजमेंट सेल्स कैटलैग्स एंड लिफलेट्स शैल बी अप्रूव्ड बाय द पार्टी ऑफ फर्स्ट पार्ट बिफोर पब्लिकेशन और सर्कुलेशन। तो टिपिकली ये फैक्ट को पहले हम समझते हैं, पहला पार्ट जो है फैक्ट का उसको हम एक डिटेल में समझते हैं। यहाँ क्या हुआ, हमारा जो SSC है SSI स्टील प्राइवेट लिमिटेड, उसको जमीन बेचनी थी, बट उसको सीधे सीधे जमीन नहीं बेचनी थी, दैट्स वाई इट एंटर्ड इनटू ए लैंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट। और बिल्डर कौन था, विजय शांति बिल्डर लिमिटेड। तो सेसा साई स्टील ने उनकी जमीन अंडर लैंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट किसको दी, विजय शांति को, और कंसिडरेशन क्या था हुआ, 6 crore 10 lakh। अब विजय शांति बिल्डर उसके ऊपर फ्लैट तैयार करेगा और जो जो मेंबर ये फ्लैट खरीदेंगे वो दो कंट्रीब्यूशन देंगे, एक लैंड का कंट्रीब्यूशन और दूसरा कंस्ट्रक्शन का कंट्रीब्यूशन। जो कंस्ट्रक्शन का कंट्रीब्यूशन है वो विजय शांति को जाएगा और लैंड को लेकर जो कंट्रीब्यूशन होगा वो किसको जाएगा, SSC को जाएगा। इसलिए उन्होंने लिखा कि ये जो कंसीडरेशन है 6 crore 10 lakh, इट विल बी पेड बाय हुम, मेंबर ऑफ द सेकंड पार्ट, यानी जो फ्लैट खरीदेंगे विजय शांति की स्कीम में वो मेंबर कहलाएंगे। वो मेंबर जैसे जैसे पैसे चुकाएंगे विजय शांति को, विजय शांति वैसे वैसे ये पैसे किसको देगी, सेसा साई स्टील प्राइवेट लिमिटेड को। और अगर मान लो विजय शांति के पास खुद ये पैसे, उनके पास कोई सरप्लस पैसे हैं, तो विजय शांति खुद भी वो पैसे चुका सकती है, 6 crore 10 lakh। और उन्होंने लिखा विच एवर इज अर्लियर, तो जो भी जल्द शक्य होगा अकॉर्डिंगली 6 crore 10 lakh SSC को चुकाए जाएंगे। ऐसे एग्रीमेंट में उन्होंने 16 नंबर में लिखा कि इस एग्रीमेंट के अंतर्गत सेसा साई इज गिविंग परमिशन टू दी विजय शांति सेकेंड पार्ट कि अब वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसमें जो फ्लैट बनेंगे उसको बेच सकते हैं, बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। लेकिन
ये एडवर्टाइजमेंट, सेल्स कैटलॉग, लिफलेट जो भी तैयार होते हैं उसकी अप्रूवल SSI से लेनी है. इन शॉर्ट, टिपिकली इट वॉज अ लैंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट एंटर्ड इन टू बाय SSI. अब कुछ और पैराग्राफ हैं, उसको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है जजमेंट को लेकर. लेटर ऑन कुछ क्या हुआ, पैसे टाइम पे नहीं मिले और पता नहीं विजय शांति उसको अच्छी तरह डेवलप भी नहीं कर पाया होगा, इसलिए एक कॉम्प्रोमाइज डीड एंटर हुआ. और कॉम्प्रोमाइज डीड कब हुआ है, 19 जुलाई 2003 में. ध्यान दे, एग्रीमेंट कब हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था 15 मई 1998, मैं उसको पिंक मार्क कर रहा हूँ. एग्रीमेंट टू सेल कौन से तारीख का था, 15 मई 1998, और कॉम्प्रोमाइज कब हुआ, करीबन 15 सालों बाद 2003 में, क्योंकि ये एग्रीमेंट कुछ आगे नहीं बढ़ा, इसलिए कॉम्प्रोमाइज हुआ. और कॉम्प्रोमाइज में ये तय हुआ कि जो कंसिडरेशन था उस कंसिडरेशन में से 50 लाख रुपए रिड्यूस किए जाएंगे. तो कंसिडरेशन कितना था, 6 करोड़ 10 लाख. तो विजय शांति ने बताया, हम आप 6 करोड़ 10 लाख नहीं दे सकते हैं, वी विल गिव यू ओनली 50 लाख लेस फ्रॉम 6 करोड़ 10 लाख. और उसी कॉम्प्रोमाइज डीड का क्लोज 3 क्या कहता है, इट सेज दैट 40 ऑफ द पासपार्ट हैज रिसीव्ड 4 करोड़ 68 लाख 25,644 आउट ऑफ एग्रीड सेल कंसिडरेशन. और उसी क्लोज 4 में लिखा है, बैलेंस 1 करोड़ 5 लाख वुड बी गिवन एज अ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट फॉर द एग्रीमेंट एंटर्ड इन टू, एंड दैट बैलेंस वुड बी गिवन बाय 7 पोस्ट डेटेड चेक्स. और क्लोज 5 में ऐसा लिखा है दैट लास्ट 2 चेक्स विल बी प्रेजेंटेड ओनली ऑन ड्यू रिसिप्ट ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फ्रॉम वन ऑफ कॉल्ड पायोनियर होम्स, एंड अकॉर्डिंगली ऑल द चेक्स एज पर कॉम्प्रोमाइज डीड हैव बीन एनकेस्ड बाय द पार्टी ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड वेयर लास्ट चेक वॉज डेटेड 25 जनवरी 2004. तो अब ये फैक्ट क्या है, पहला पार्ट आपको समझ में आया, 1998 में जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ, उसमें उन्होंने डेवलपमेंट राइट किसको दे दिए, विजय शांति को दे दिया. अब क्या हुआ, एक्चुअल में इसमें ऐसा था कि कुछ पायनियर होम करके कोई डेवलपर था जिसको SSI ने पहले राइट दिए होंगे कुछ सालों पहले, तो उसका झगड़ा सामने आया. इसलिए हुआ क्या कि ये झगड़े की वजह से ये प्रोजेक्ट 15 साल डिस्प्यूट में चला गया. इसलिए अब विजय शांति ने बताया कि मैं आपको 6 करोड़ 10 लाख तो नहीं दूंगा, 2003 में कॉम्प्रोमाइज डीड बनाया, मैं आपको 50 लाख कम दूंगा, और मैंने ओवर ए पीरियड आपको 4 करोड़ 68 लाख 25,644 ऑलरेडी चुका दिए, जैसे जैसे मेंबर का हमारा कलेक्शन आया मैंने आपको चुकाया है. अब बाकी बचे एक रफली 1 करोड़ 5 लाख, वो मैं आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में दूंगा, वो भी आपको 7 चेक दूंगा 7 पोस्ट डेटेड चेक. और क्लोज 5 में ऐसा लिखा कि लास्ट 2 चेक है वो आपको तभी प्रेजेंट करने हैं बैंक में जब पायोनियर होम का नोड्यू सर्टिफिकेट आ जाए, पायोनियर होम का उससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आए उसके बाद ही वो 2 चेक आपको बैंक में डिपॉजिट करने हैं. और जो लास्ट चेक था उसकी डेट थी, ये डेट भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसको पिंक मार्क कर रहा हूं मैं, लास्ट चेक की डेट थी 25 जनवरी 2004. तो ये फैक्ट भी आपको समझ में आया कि कुछ झगड़ा था और ये झगड़ा सुलटा 2003 में कॉम्प्रोमाइज डीड एंटर होने के बाद. ठीक है, आगे चलते हैं फैक्ट को लेकर. अपेलेंट ने, यानी जो हमारा SSI प्राइवेट लिमिटेड है, उसने कोई रिटर्न फाइल नहीं किया था AY45 को लेकर, ध्यान दें. अपेरेंटली ये एसेसिंग ऑफिसर के ध्यान में आया कि SSI ने एग्रीमेंट टू सेल किया है और कॉम्प्रोमाइज डीड भी उन्होंने कुछ एंटर किया है जुलाई 2003 में. बेस्ड ऑन डिस्कवरी ऑफ दिस फैक्ट, AO इश्यूड नोटिस ऑन 4 नवंबर 2008 अंडर सेक्शन 140 ऑफ द एक्ट. इस रिस्पांस में भी SSI ने कोई रिटर्न फाइल नहीं किया. नोटिस वॉज गिवन टू द SSI डेटेड 8 सितंबर 2009 अंडर 142(1), बट SSI didn't turn up. As a result, one more notice was given, but again SSI didn't turn up. So that third notice was given, fixing the hearing on 22nd December 2009. उसके रिस्पॉन्स में SSI ने कुछ रिप्लाई दिया कि आप मुझे 30 दिन का टाइम दे दीजिए, 30 दिन के अंदर अंदर मैं सारी डिटेल आपको सबमिट करूंगा. बट मैटर वॉज टाइम बारिंग, इसलिए
असेसमेंट खत्म होना था 31 दिसंबर 2009 को. दैट्स व्हाई असेसिंग ऑफिसर कीपिंग इन माइंड द लिमिटेशन पीरियड पास्ड अ बेस जजमेंट ऑर्डर अंडर 144 ऑफ द एक्ट एंड दैट ऑर्डर वॉज पास्ड ऑन 31st December 2009. एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑर्डर ही डिसाइडेड टू टैक्स एंटायर सेल कंसिडरेशन अंडर द हेड कैपिटल गेन. तो अब ध्यान दें हुआ क्या. एसेसिंग ऑफिसर के दान में ये कॉम्प्रोमाइज डीड आया 2003 वाला और वो उसके ध्यान में आया 2008 में. इसलिए एसएससी ने 148 में नोटिस दिया इनकम स्कीम असेसमेंट. क्यों? क्योंकि एसएससी ने इसका कोई रिटर्न फाइल नहीं किया था EY-4/5 का. इसलिए एसेसिंग ऑफिसर ने 148 में नोटिस दिया. नोटिस के रिस्पॉन्स में भी एसएससी ने कोई रिटर्न फाइल नहीं किया. इसलिए बाद में एओ ने उसको 142(1) का नोटिस दिया कि आपका हियरिंग फिक्स हुआ है, आप सारी डिटेल बताएं. एसएससी डिडंट टर्न अप, दूसरी नोटिस दिया, एसएससी डिडंट टर्न अप, तीसरी नोटिस दिया. एसएससी रिप्लाइड कि मुझे आप 30 दिन का टाइम दे. लेकिन तीसरी नोटिस कब दी गई थी? दिसंबर 2009 में, बराबर 22 दिसंबर 2009 में. और एसएससी ने रिप्लाई किया कब? 29 दिसंबर 2009 को कि आप मुझे 30 दिन का टाइम दीजिए. अब ध्यान दे, असेसमेंट खत्म करने की उन दिनों डेडलाइन थी 31 दिसंबर 2009. अब एसेसिंग ऑफिसर के पास दो दिन का टाइम था. एसएससी बोलता है मुझे 30 दिन का टाइम दो. इसलिए एसेसिंग ऑफिसर ने क्या कर दिया, 31 दिसंबर 2009 को बेस जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास किया और उसने पूरा जो सेल कंसीडरेशन था 6,10,00,000 में से 50,00,000 माइनस करके जो भी एसएससी को मिला, दैट एसेसिंग ऑफिसर हैज एंटायरली टैक्सिंग. अब इश्यू इन्वॉल्व क्या है, ये मैंने स्लाइटली आपकी समझ के लिए मेरी लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है. इश्यू इन्वॉल्व ये है कि कौन से साल में कैपिटल गेन टैक्स टैक्स किया जाए. क्या ये टैक्स किया जाए 98-99 में, ईयर इन विच पजेशन वॉज गिवन, और इट शुड बी टैक्स इन द ईयर इन विच लास्ट चेक ऑफ कॉम्प्रोमाइज वॉज एनकेस्ड. और लास्ट चेक कब एनकेस हुआ है हमने देखा था, मैंने येलो मार्क किया था कब एनकेस हुआ है लास्ट चेक. यहां देखे मैं पिंक मार्क बता रहा हूं मैं, 25 जनवरी 2004, यानी प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, 3-4, जिसके लिए एओ ने नोटिस दिया है EY-4/5 को लेकर. मैं रेड मार्क कर रहा हूं, ठीक है. तो एसएससी के आर्ग्यूमेंट ये थी कि मैंने तो ये लैंड का पजेशन 98-99 में एग्रीमेंट करके दे दिया था, इसलिए इसका टैक्स होना चाहिए 98-99 में, जबकि एओ ने उसको टैक्स किया है EY-4/5 में. दैट्स व्हाई एंटायर असेसमेंट इज ऑफ नो यूज, क्योंकि EY-4/5 में ये इनकम एक्रू नहीं होगी. ये कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा कौन से साल में, प्रीवियस ईयर 98-99 में, यानी EY-99-2000 में. तो दैट वॉज द इशू इन्वॉल्व. क्यों? क्योंकि एसएससी की आर्ग्यूमेंट ये थी कि यहां सेक्शन 247 जो डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर है उसके दो क्लोज हैं, क्लोज नंबर 5 और क्लोज नंबर 6, ये अप्लाई होंगे. और ये दोनों क्लोज अप्लाई करने से अवर ईयर ऑफ ट्रांसफर इज प्रीवियस ईयर 98-99 एंड नॉट द प्रीवियस ईयर 3-4. दैट वॉज द डिस्प्यूट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है. तो आइए देखते हैं ये क्लोज 5 ऑफ 247 क्या है और क्लोज 6 क्या है. पहले ये प्रोविजन एप्लीकेबल हम पढ़ लेते हैं, ठीक है. ये प्रोविजन एप्लीकेबल हम समझेंगे फिर सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग ठीक से समझ में आएगी. तो क्लोज 5 ये कहता है, ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व्स अलाउिंग पजेशन ऑफ इन्वॉल्व प्रॉपर्टी अंडर पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिफर टू इन सेक्शन 53 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. तो क्लोज 5 ये कहता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 का, कि अगर हम पजेशन दे देते हैं इमोबल प्रॉपर्टी का अंडर पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेक्शन 53 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो जिस दिन पजेशन दिया जाएगा उस दिन उसको ट्रांसफर माना जाएगा. तो एसएससी का आर्ग्यूमेंट ये था कि हमने जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया था और उसके अंतर्गत हमने 98 में पजेशन दे दिया है, इसलिए पजेशन 98 में चला गया है, इसलिए ट्रांसफर होगी 98-99 में. दूसरा उनका ये कहना है कि क्लोज 6 से कहता है कि इफ ट्रांजैक्शन कवर्स ए ट्रांजैक्शन विच हैव सम एग्रीमेंट और अरेंजमेंट विच हैज इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग और एनेबलिंग द एंजॉयमेंट ऑफ इन्वॉल्व प्रॉपर्टी देन इन दैट इवेंट ऑल्सो इट इज कॉल्ड ए ट्रांसफर.
तो उनका ये कहना है कि अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ है या ऐसा कोई अरेंजमेंट हुआ है जिसके अंदर हमने उनको एंजॉयमेंट के राइट दे दिए है प्रॉपर्टी के और हमने उसको प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया है, देन ऑल्सो इट इज कॉल्ड ए ट्रांसफर। और उनका आर्ग्यूमेंट इस क्लोज की तरफ था जो मैंने आपको नहीं बताया था, अभी मैं बता रहा हूँ। अब फैक्ट में देखें, उनको ये कहना था कि हमने पावर ऑफ अटर्नी भी एग्जीक्यूट करके दे दी थी 98 में, और पावर ऑफ अटर्नी किसके फेवर में दी थी, विजय शांति बिल्डर के डायरेक्टर के फेवर में, चंदन कुमार के। इसका मतलब उनका ये कहना था कि हमने ये प्रॉपर्टी के सारे राइट पावर ऑफ अटर्नी करके कब दे दिया है, उनके डायरेक्टर को दे दिया है 1998 में, इसलिए ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई और उसके राइट्स जो है एंजॉयमेंट के राइट भी प्रॉपर्टी के 98 में ट्रांसफर हो गए, इसलिए क्लोज 6 भी लागू होगा। एंड अकॉर्डिंगली ट्रांसफर टुक प्लेस इन द ईयर 98-99, दैट वॉज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द टैक्स पेयर बिकॉज ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 क्लोज नंबर 47 डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर। अब ध्यान दे सुप्रीम कोर्ट के एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन, मैंने सुप्रीम कोर्ट के पैराग्राफ सीधे उठा के आपके सामने रखे हैं, ठीक है। 11 नंबर का पैराग्राफ ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि हमने सेक्शन 53A डिटेल में पढ़ा, मैं पहले इसको पढ़ रहा हूं, देन आई एक्सप्लेन इन द वे आई वुड लाइक टू। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रांसफरी हैव टेकन द पजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, सेकेंडली ट्रांसफरी मस्ट हैव परफॉर्म्ड और विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ एग्रीमेंट, इफ दीज टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड ओनली देन सेक्शन 53A शैल बी अट्रैक्टेड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द गिवन केस। एंड सुप्रीम कोर्ट सेज क्लोज 16 इज क्रूशियल, एज पर क्लोज 16 पार्टी ऑफ द फर्स्ट पार्ट गिव परमिशन टू द पार्टी ऑफ द सेकेंड पार्ट, एंड क्लोज 16 देयरफॉर लीड टू द पोजिशन दैट लाइसेंस वॉज गिवन टू द अनदर पर्सन ऑन द लैंड फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपिंग द लैंड, सच लाइसेंस कैनॉट बी टेकन एज अ पोजेशन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 53A विच इज अ लीगल कंसेप्ट, एंड दिस बींग द केस 53 ऑफ द TPA एक्ट कैनॉट बी पॉसिबली अट्रैक्टेड टू द फैक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट केस फॉर द रीजन अलोन। अब ध्यान दें सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, बहुत महत्वपूर्ण, अब मैं उसको कलर करने वाला हूं, पहले मैंने पढ़ लिया थोड़ा बहुत कुछ ऊपर से गया, लेकिन आई एम एक्सप्लेनिंग इन डिटेल। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि 53A हमने पढ़ा, उसका हमने एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने के बाद दो कंडीशन बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सी, एग्जाम में आपको ये लिखनी है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रांसफरी मस्ट हैव टेकन पजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, तो ट्रांसफरी यहां कौन है, विजय शांति, उसने पजेशन लिया होना चाहिए, और सेकंड है ट्रांसफरी मस्ट हैव परफॉर्म्ड और विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ एग्रीमेंट। तो पहली कंडीशन ट्रांसफरी मस्ट हैव टेकन पजेशन, दूसरी कंडीशन जो विजय शांति है इट इज विलिंग टू परफॉर्म द पार्ट ऑफ हिज एग्रीमेंट। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती है तो डेट ऑफ पजेशन, यहां मान लो डेट ऑफ पजेशन जो SSC का आर्ग्यूमेंट है 98 है, 15 मई 98, देन इट वुड बी टेकन एज अ ट्रांसफर ऑफ व्हाट 98-99। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट क्लोज 16 का एग्रीमेंट का क्लोज 16 उसको वो बता रही है, तो वापिस देखते हैं फैक्ट में क्लोज 16 क्या था, ऊपर ध्यान दें क्लोज 16 क्या था जो मैंने यहां ऑलरेडी आपको टिक मार्क करके रखा था, अब मैं उसको कलर करने जा रहा हूं। क्लोज 16 ये कहता है पार्टी ऑफ द फर्स्ट पार्ट यानी हमारा SSC परमिशन दे रहा है, वर्ड क्या है ध्यान दे, परमिशन दे रहा है किसके लिए, एडवर्टाइज करने के लिए, सेल करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्ड पकड़ा परमिशन, तो अब ध्यान दे सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा कि क्लोज 16 बहुत क्रूशियल है, पैरा 13 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में ये पढ़ रहा हूं, क्लोज 16 बहुत क्रूशियल है, वहां लिखा है पार्टी ऑफ द फर्स्ट पार्ट यानी हमारा SSC परमिशन दे रहा है, तो एग्जाम में आपको लिखना है क्या, लेना है परमिशन दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट कहती है परमिशन इज नथिंग बट ए लाइसेंस एंड लाइसेंस कैनॉट बी सेड टू बी ए पजेशन। अब 53A की कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, ये फर्स्ट कंडीशन दैट पजेशन मस्ट बी गिवन, ये फर्स्ट कंडीशन क्या है, पजेशन मस्ट बी गिवन। सुप्रीम कोर्ट का यहां कहना है कि यहां पजेशन नहीं दिया गया, सिर्फ क्या दी गई है, सिर्फ परमिशन, लाइसेंस, सिर्फ परमिशन दिया गया है, एंड परमिशन इज अ लाइसेंस एंड लाइसेंस इज नॉट ए पजेशन, ये आपको एग्जाम में लिखना है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है क्लोज नंबर 5 कैन नॉट बी अट्रैक्टेड, इसका मतलब कि ट्रांसफर कैनॉट बी इन 98
99 सुप्रीम कोर्ट कहती है ये आर्ग्यूमेंट गलत है क्योंकि पोजीशन 98 99 में नहीं दिया है, सिर्फ परमिशन दिया गया है। क्लियर। अब 15 नंबर का पैराग्राफ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहती है अब हम क्लोज 6 की तरफ जाते हैं, लेट अस नाउ टर्न टू द आर्ग्यूमेंट डन बाय द काउंसिल अपीयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ टैक्स पेयर, कि उनका यह कहना है क्लोज 6 अप्लाई होता है, तो लेट अस लुक एट क्लोज 6। अब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है क्लोज 6 को लेकर हम ऑलरेडी बलबीर सिंह मैनी 2018 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में पैरा 25 में उसको हम इंटरप्रेट कर चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या इंटरप्रेट किया है, क्लोज 6, क्लोज 6 में लिखा है एनेबलिंग एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि एनेबलिंग एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट टेक कलर फ्रॉम द अर्लियर वर्ड कॉल्ड ट्रांसफरिंग सो दैट डिफेक्टो ट्रांसफर ऑफ इनवॉल्व प्रॉपर्टी मस्ट हैव टेकन प्लेस मेकिंग इट क्लियर डिफेक्टो ओनर्स राइट गेट एक्सटिंग्यूज। इट इज क्लियर ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल ओनर्स राइट वर कंप्लीटली इंटैक्ट बोथ एज टू ओनरशिप एज वेल एज पोजेशन इवन डिफेक्टो सो दैट सेक्शन इक्वली कैनॉट बी सेड टू बी अट्रैक्टेड। अब कुछ समझ में नहीं आया बट आई विल एक्सप्लेन वंडरफुली। ध्यान दे क्लोज नंबर 6 क्या था, पहले मैं क्लोज नंबर 6 दिखा रहा हूं, पे अटेंशन, मैं टिक मार्क कर रहा हूं। क्लोज नंबर 6 ये कहती है कि विच हैज इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग और एनेबलिंग एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, तब जाके वो ट्रांसफर माना जाएगा, विच हैज इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग और एनेबलिंग एंजॉयमेंट। अब सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरप्रेट कर रही है, क्या इंटरप्रेट कर रही है, मैं उसको कलर करने जा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि एनेबलिंग एंजॉयमेंट वर्ड है, उसके पहले वर्ड क्या है, ट्रांसफरिंग, इसलिए वो कलर लेगा किसमें से, अर्लियर वर्ड ट्रांसफरिंग से कलर लेगा। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है देयर मस्ट बी ए डिफेक्टो ट्रांसफर, यानी एक्चुअल ट्रांसफर होनी चाहिए। और ट्रांसफर किसको बोलते हैं, जब मैं बोलता हूं कि मेरी प्रॉपर्टी मैंने आपको ट्रांसफर किया, इसका मतलब मेरे सारे राइट एज ए ओनर, मेरे राइट एक्सटिंग्यूश हो गए, खत्म हो गए आपकी फेवर में। जबकि सुप्रीम कोर्ट ये कहती है यहां तो सारे राइट इंटैक्ट हैं, बोथ ओनरशिप का राइट भी एसएससी के पास है और पजेशन भी एसएससी के पास है, क्योंकि उसने तो सिर्फ परमिशन दिया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट बोलती है यहां कोई ट्रांसफर हुआ ही नहीं है, इसलिए क्लोज 6 भी एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लोज 6 कब एप्लीकेबल होता है, जब सारे राइट एक्सटिंग्यूश होते हैं, तब। कौन से राइट, दोनों राइट, ओनरशिप के राइट और पजेशन के राइट। जब मैं आपको ओनरशिप और पजेशन दोनों दे देता हूं पेपर पे, ओनली इन दैट इवेंट क्लोज नंबर 6 इज एप्लीकेबल, तब तक क्लोज नंबर 6 अप्लाई नहीं होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि ट्रांसफर हैड नॉट टेकन प्लेस इन 98-99। अब सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि हमने पढ़ा कॉम्प्रोमाइज डीट, और कॉम्प्रोमाइज डीट को लेकर अब हमें समझ में आ रहा है कि सारे राइट कब ट्रांसफर हुए हैं, ओनरशिप कब ट्रांसफर हुई है, 2003-04 में, क्योंकि लास्ट चेक जो कॉम्प्रोमाइज का है वो भी कंडीशनल था। याद है कि दो चेक दिए थे, वो पायनियर होम का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आने के बाद, याद करें जो मैंने येलो मार्क किया था फैक्ट में, यहां मैं टिक कर रहा हूं, पायनियर का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए। और लास्ट चेक की डेट कौन सी थी, मैं वापस टिक कर रहा हूं, ये डेट बहुत क्रूशियल है। लास्ट चेक की डेट कौन सी थी, 25 जनवरी 2004। तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि उस दिन जब लास्ट चेक एनकेस हुआ, तब सारे राइट एक्सटिंग्यूस हुए, इसलिए ट्रांसफर माना जाएगा इन द ईयर 2003-04। दैट्स व्हाई असेसिंग ऑफिसर इज करेक्ट इन टैक्सिंग फॉर व्हाट, AY-45। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बताया यहां राइट क्लोज कौन सा अप्लाई होगा, कि यहां राइट क्लोज अप्लाई होगा 247 का क्लोज नंबर 2। क्लोज नंबर 2 आपको ध्यान है ट्रांसफर का, एक्सटिंग्यूशमेंट ऑफ राइट, क्या कहता है, एक्सटिंग्यूशमेंट ऑफ राइट इन अ प्रॉपर्टी, तो वो क्लोज नंबर 2 अप्लाई होगा। और क्लोज 6 भी अप्लाई होगा, क्योंकि क्लोज 6 में दोनों कंडीशन कब फुलफिल होती है, 2003-04 में। तो दिस वुड बी टैक्स इन द ईयर 2003-04, दैट्स व्हाई असेसिंग ऑफिसर इज करेक्ट इन टैक्सिंग दिस इन द ईयर 2003-04। तो आई थिंक यू आर क्लियर ऑन दिस जजमेंट। तो हम एक छोटा सा ट्री ब्रेक लेते हैं। आई एम सॉरी, एक टी ब्रेक लेते हैं छोटा सा।
Welcome back after a small tea break. Now pay attention. Chetak Enterprise Private Limited, second decision before the Supreme Court. थोड़ा अटेंटिव रहिए, पहले मैं उसको पढ़ूंगा, देन आई एक्सप्लेन द वे आई वुड लाइक टू, देन वी विल अंडरस्टैंड द डिसीजन इन डिटेल. यहां इशू कुछ ऐसा था चेतक एंटरप्राइज में, दैट इट वॉज अर्लियर ए पार्टनरशिप फर्म एंड दे एंटर्ड इन एग्रीमेंट विद राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड कलेक्शन ऑफ रोड और टोल टैक्स. तो नाम ही है चेतक और राजस्थान, हमारे महाराणा प्रताप, नोन फॉर महाराणा प्रताप एंड उनका जो पावरफुल वॉरियर हॉर्स था चेतक. तो ये कंपनी थी, पार्टनरशिप फर्म थी पहले. नाउ कंस्ट्रक्शन रोड वॉज कंप्लीटली डन बाय द फर्म ऑन मार्च 27, 2000 एंड रोड गॉट इनॉग्रेटेड ऑन अप्रैल 1, 2000. फर्म गॉट कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वेरी नेक्स्ट डे मार्च 28, 2000 अंडर द कंपनीज एक्ट 1956. अपॉन कन्वर्जन इंटीमेशन वॉज गिवन टू द चीफ इंजीनियर PWD Rajasthan Department Jaipur, who cancelled the registration of firm and granted a fresh registration to the SSC company. For the assessment year 2-3, AO declined the claim of ATIA on the ground that condition of ATIA 4-1 are not being fulfilled. That's why Chetak Enterprise Private Limited cannot claim benefit of ATIA. AO का ये कहना था कि जो दो महत्वपूर्ण condition है ATIA 4-1 में, they are not fulfilled by the प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. तो लेट अस लुक एट द इशू क्या है. बहुत सिंपल सा इशू है यहां. पहले पार्टनरशिप फर्म थी ATIA में, उन्होंने एग्रीमेंट किया था राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड कलेक्शन ऑफ रोड और टोल टैक्स. उन्होंने रोड तैयार कर दिया, रोड तैयार हो गया मार्च 27 को, इनोग्रेट हुआ 1 अप्रैल 2000 को, 4 दिन में इनोग्रेट कर दिया चीफ मिनिस्टर को बुला के. शायद इन बिटवीन ये जो पार्टनरशिप फर्म थी उन्होंने कन्वर्ट कर दिया कंपनी में, और कंपनी का जो कन्वर्ट किया उसकी उन्होंने, उसको बोलते हैं पार्ट 9 का कन्वर्जन. बहुत सारे हमने प्रैक्टिस में किए हैं. पार्ट 9 कन्वर्जन बोला जाता था पुराने कंपनीज एक्ट में 1956 में. नए कंपनीज एक्ट में भी ऐसा प्रोविजन है, बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट ऑफ 2013. लेकिन दिस वॉज अ टैक्स प्लानिंग मूव. पार्ट 9 में आप कन्वर्जन करते हैं तो फर्म की सारी एसेट किसकी बन जाती है, कंपनी की बन जाती है, उस पर कोई कैपिटल गेन नहीं लगता है. ऐसा पार्ट 9 का कन्वर्जन है. उसके लेकर भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, क्योंकि पार्ट 9 ये कहता है कि जितनी भी पार्टनरशिप फर्म की एसेट है वो ऑटोमेटिकली वेस्ट हो जाएगी कंपनी में. ठीक है, और उन्होंने इंटीमेट भी कर दिया चीफ इंजीनियर जो थे राजस्थान के PWD डिपार्टमेंट के, और उन्होंने अप्रूव भी कर दिया कि अब ये कंपनी की प्रॉपर्टी है. AO ने उनको डिडक्शन नहीं दिया. वजह यह थी, क्या वजह थी पहले समझ ले. ATIA खास करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है उसका डिडक्शन मिलता है सिर्फ कॉरपोरेट को. SSC का ये कहना था कि इसका कंस्ट्रक्शन जिसने करवाया, ये कंस्ट्रक्शन करवाया पार्टनरशिप फर्म ने, इसलिए बाद में ये कंपनी में कन्वर्ट हुई है, इसलिए इसका डिडक्शन इनको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने उसको कन्वर्ट नहीं करवाया, कंस्ट्रक्शन नहीं करवाया. तो दैट वॉज द आर्ग्यूमेंट ऑफ AO कि जो कंस्ट्रक्शन की कंडीशन है डेवलपिंग मेंटेनिंग ऑपरेटिंग, दैट SSC फेल टू फुलफिल. और दूसरी कंडीशन SSC फुलफिल नहीं कर रहा है कि SSC मस्ट हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट. तो मैं आपको दोनों कंडीशन दिखाता हूं. देखे प्रोविजन एप्लीकेबल ATIA के, मैं आपको पढ़ने जा रहा हूं. कंडीशन ए, ऐसे तीन कंडीशन है लेकिन कंडीशन ए हम मैं पढ़ने जा रहा हूं. कंडीशन ए सेज एंटरप्राइज शुड बी ओन्ड बाय अ कंपनी. तो SSC का ये कहना था कि दिस वॉज प्रिपेयर्ड बाय अ पार्टनरशिप फर्म. कंडीशन क्या कहते हैं, इट इज ओन्ड बाय अ कंपनी, इतना कहती है. बट SSC का ऑफिसर का ये कहना था कि ये कंस्ट्रक्शन पार्टनरशिप फर्म ने करवाया, इसलिए कंडीशन ए फुलफिल नहीं रही. और कंडीशन बी ये कहती है कि कंपनी मस्ट हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर डेवलपिंग ऑपरेटिंग मेंटेनिंग और डेवलपिंग ऑपरेटिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी. और क्लोज से ये कहता है एंटरप्राइज शुड स्टार्ट ऑपरेटिंग मेंटेनिंग दिस फैसिलिटी ऑन और आफ्टर 1995. ये थर्ड कंडीशन को लेकर कोई इशू नहीं था. जो कंडीशन ए और बी उसको लेकर AO का ये कहना था ये फुलफिल नहीं हो रही है. तो कंडीशन ये क्या है, इट शुड बी ओन्ड बाय कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया. और कंडीशन बी क्या है, एंटरप्राइज शुड हैव बीन एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद अ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट
फॉर डेवलपिंग ऑपरेटिंग मेंटेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, एनालिसिस सुप्रीम कोर्ट का क्या है, ध्यान दें, कंडीशन ए सुप्रीम कोर्ट ये कहती है फुलफिल हो जाती है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहती है हमने कंपनी का मेमोरेंडम पढ़ा, मेमोरेंडम में लिखा है कि दे हैव एक्वायर्ड एज अ गोइंग कंसर्न द बिजनेस रन बाय द फर्म। सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि दे हैव एक्वायर्ड गोइंग कंसर्न, और कन्वर्जन जो हुआ है पार्ट 9 का, जो मैंने आपको बताया सेक्शन 575 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ये कहता है इट विल वेस्ट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्म इन द कंपनी। ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है, आपको एग्जाम में लिखना है, ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म गेट वेस्टेड इन द कंपनी एंड फर्म नाउ इज सीज टू एग्जिस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि जिस तरह कन्वर्जन हुआ है, ये गोइंग कंसर्न के हिसाब से, तो आपके एग्जाम में ये भी लिखना है, ये गोइंग कंसर्न के हिसाब से कन्वर्जन हुआ है, और वो पार्ट 9 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट यानी सेक्शन 575 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंतर्गत ये कन्वर्जन हुआ है, और उसकी इफेक्ट क्या होती है, जो सारी प्रॉपर्टी फर्म की है वो किसकी बन जाती है, कंपनी की बन जाती है। तो अब मुझे बताइए पहली कंडीशन क्या है, इट शुड बी ओन्ड बाय द कंपनी, क्लोज नंबर ए, इट शुड बी ओन्ड बाय द कंपनी। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है क्लोज ए फुलफिल हो जाता है, इट इज ओन्ड बाय द कंपनी। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, दिस एंटरप्राइज मस्ट हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है क्लोज बी इज ऑल्सो फुलफिल। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल एग्रीमेंट हुआ था किसके बीच में, पार्टनरशिप फर्म और स्टेट गवर्नमेंट, विथ ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग एज एन वेन फर्म इज कन्वर्टेड इन टू कंपनी नेम ऑफ द कंपनी शुड बी एंटर्ड इन टू एन एग्रीमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट हैड बीन इन्फॉर्म्ड और उन्होंने सेंशन भी किया है, और सेंशन कब किया है, मार्च 28 को। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट हैड ऑलरेडी ग्रांटेड सेंशन टू द कंपनी, एन ओरिजिनल एग्रीमेंट एंटर्ड इन टू बाय द फर्म गॉट कन्वर्टेड इन फेवर ऑफ द कंपनी। तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू विद द स्टेट गवर्नमेंट बाय द कंपनी। तो दो ही कंडीशन थी, एक कंडीशन इट शुड बी ओन्ड बाय द कंपनी, तो दैट कंडीशन इज फुलफिल, दूसरी कंडीशन एग्रीमेंट शुड हैव बीन एंटर्ड इनटू विद होम स्टेट गवर्नमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट बोल रही है ये एग्रीमेंट भी एंटर्ड हो चुका है मार्च 28 को, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट बोल रही है एओ की गलती है, सुप्रीम कोर्ट सेज एसएससी इज क्वालिफाइड एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर एटीआईए, व्हाई, बिकॉज बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो आई थिंक यू आर क्लियर ऑन दिस जजमेंट, बहुत सिंपल सा जजमेंट था। तो लेट अस हैव अ स्मॉल टी ब्रेक एंड देन वी विल मूव टू द थर्ड जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। Now pay attention to the third judgment of Supreme Court in case of Dalmia Power Limited and another, there is word written another versus ACIT Supreme Court. तो यहाँ एक से ज़्यादा appellant है, जिसका नाम पहले होता है उसको appellant बोलते हैं, और जिसका नाम दूसरा होता है उसको respondent बोलते हैं। तो यहाँ appellant कौन है, Dalmia Power Limited और कोई है, जो short में लिखा है Dalmia Power Limited and another, ठीक है। तो let us look at अपेलेंट नंबर वन, और सुप्रीम कोर्ट लिखती है अपेलेंट नंबर टू, यानी दो अपेलेंट है, डालमिया पावर लिमिटेड और कोई दूसरी कंपनी, बोथ वेयर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। पहले मैं फैक्ट बता देता हूं, देन विल कम टू द इश्यू। दिस कंपनी गॉट इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956, दे फाइल देयर ओरिजिनल रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 139 फॉर एवाई 1617। अपेलेंट आर द ट्रांसफरी कंपनीज, दे आर कॉल्ड एमालगमेटेड कंपनीज, they entered into four interconnected scheme of arrangement and amalgamation with nine other companies, they are called the transferor companies or called amalgamating companies, and this scheme was entered into with their respective shareholders and creditors. Appointed date of the scheme of amalgamation was 1st January 2015, and that would come into effect on 30th October 2018. Scheme got approved duly and sanctioned by the NCLT. तो पहला पार्ट जो है फैक्ट का, वो उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दे। यहाँ झगड़ा किसका है, दालमिया लिमिटेड और एक दूसरी कंपनी, दोनों पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी। झगड़ा कौन से साल को लेकर है, मैं येलो मार्क पिंक मार्क कर रहा हूँ, सॉरी येलो मार्क कर रहा हूँ, झगड़ा था एवाई 1617 को लेकर, ठीक है।
उसको लेकर उन्होंने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किए थे। पहला लाइन आपको समझ में आया। अब ये दोनों कंपनी ने एमालगमेशन किया था और कुछ नाव कंपनी थी उनको उन्होंने एब्सॉर्ब किया था। चार स्कीम थी एमालगमेशन की और एमालगमेशन की डेट थी अपॉइंटेड डेट, मैं पिंक येलो मार्क कर रहा हूं, अपॉइंटेड डेट थी 1 जनवरी 2015। तो ये दो कंपनी ने नाव कंपनी को उनमें एब्सॉर्ब किया, ठीक है। दैट मींस हमारी जो दो कंपनी है दे आर कॉल्ड ट्रांसफर ई कंपनी और वी कैन से एमालगमेटेड कंपनी। अब स्कीम ऑफ एमालगमेशन वॉज डेटेड विच डेट, अपॉइंटेड डेट क्या थी एमालगमेशन की, 1 जनवरी 2015। लेकिन ये मैटर एनसीएलटी में चली और एनसीएलटी ने उसको अप्रूव किया और अप्रूव करते करते डेट आ गई 30th October 2018। तो दिस डेट इज वेरी क्रूशियल जिसको मैंने पिंक मार्क किया। तो बहुत सिंपल सा है, हमारी दो कंपनी है उन्होंने नाव कंपनी को एब्सॉर्ब किया, स्कीम की अपॉइंटेड डेट थी एमालगमेशन की 1 जनवरी, अप्रूवल आते आते 3-4 साल चले गए और अप्रूवल आई कब, 30 अक्टूबर 2018 को, और अप्रूवल दिया किसने, एनसीएलटी में। आगे चलते हैं, अपेलेंट ने यानी हमारी दो कंपनी ने मैन्युअली दो रिवाइज रिटर्न फाइल किए, कौन सी तारीख को, 27 नवंबर 2018 को विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आफ्टर द स्कीम गॉट सेंशन बाय द एनसीएलटी। द रिवाइज रिटर्न वेर बेस्ड ऑन द रिवाइज एंड मॉडिफाइड कंप्यूटेशन टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर कंपनीज। अब ये दूसरा पैराग्राफ क्या कहता है, ध्यान दें, इस केस में अपॉइंटेड डेट कौन सा है, अपॉइंटेड डेट है 1 जनवरी 2015। इसका मतलब एमालगमेशन हुआ कौन सी तारीख से, 1 जनवरी 2015 से। इसलिए एसएससी ने क्या किया, रिटर्न रिवाइज किया एवाई 16-17 का, क्यों, क्योंकि दे बिकम ओनर फ्रॉम 1 जनवरी 2015। आर यू गेटिंग मी नॉट। तो उन्होंने रिटर्न रिवाइज किया 16-17 का टू इंक्लूड द प्रॉफिट लॉस ऑफ एमालगमेटिंग कंपनीज। तो जो नाव कंपनी थी जो उनमें मर्ज हुई उनके प्रॉफिट लॉस अब किसके हो गए, दालमिया पावर लिमिटेड और जो दूसरी कंपनी है उनके हो गए। तो उनकी प्रॉफिट लॉस मर्ज करके उन्होंने रिवाइज रिटर्न फाइल करना था। अब दिक्कत क्या हुई, रिवाइज रिटर्न फाइल करने की उन दिनों टाइम लिमिट थी 2 साल, वो 2 साल चले गए क्योंकि एनसीएलटी का ऑर्डर आया कब, 2018 में। तो उनको AY 16-17 का रिटर्न रिवाइज करना था, वो हो नहीं पाया, इसलिए उन्होंने मैन्युअली फाइल किया। किस तरह फाइल किया, मैन्युअली, कब, जैसे स्कीम आया, मैं रेड मार्क कर रहा हूं, उसके 27 दिन के बाद यानी अगले महीने नवंबर में 27 तारीख को उन्होंने ये मैन्युअल रिटर्न रिवाइज रिटर्न फाइल किए क्योंकि पॉसिबल नहीं थे, टाइम लिमिट चली गई थी, ठीक है। और उन्होंने जो उनकी एमालगमेटिंग कंपनी थी उनके प्रॉफिट लॉस, उनकी प्रॉफिट लॉस में जोड़कर उन्होंने नया टोटल इनकम और नई टैक्स लायबिलिटी बताई, जिसको यहां लिखा है मॉडिफाइड टोटल इनकम एंड मॉडिफाइड टैक्स लायबिलिटी। तो ये क्लियर हो गया, बट लॉजिकल है, उनके प्रॉफिट लॉस अब किसके हो जाएंगे 2015 से, दालमिया पावर लिमिटेड के। अब ध्यान दे, रिटर्न वेयर फाइल लेट आफ्टर डेट गिवन अंडर 139(5). व्हाई, बिकॉज एनसीएलटी हैज पास द फाइनल ऑर्डर ऑन 1 मई 2018। Consequently, it was impossible to file the revised return before the deadline called 31st March 18. तो यहां 31 मार्च 18 तक 139(5) के रिटर्न फाइल हो सकते थे, लेकिन एनसीएलटी का ऑर्डर कब पास हुआ, 1 मई 18 को, और उनके हाथ में आया कब, अक्टूबर 18 में। इसलिए इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइल द रिवाइज रिटर्न बिफोर द डेट ऑफ 31st March 2018। फैक्ट अभी हम पढ़ रहे हैं, 4 दिसंबर 2018 को डिपार्टमेंट ने नोटिस इश्यू किया 143(2) में टू गिव इफेक्ट ऑफ द अप्रूवल ऑफ द स्कीम, और 5 दिसंबर को वेरी नेक्स्ट डे डिपार्टमेंट रिकॉल देयर ओन नोटिस ऑन द ग्राउंड दैट अपेलेट हैड बिलेटेड फाइल द रिवाइज रिटर्न विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ सिबिलिटी अंडर सेक्शन 119 फॉर कॉन्डनेशन ऑफ डिले। इसलिए हम हमारी नोटिस को रिकॉल करते हैं और असेसमेंट हम नहीं करेंगे। अब ये क्या है, ये बहुत डिफिकल्ट पैराग्राफ है, ध्यान से समझे। एसएससी ने रिवाइज रिटर्न फाइल किया, फिर डिपार्टमेंट ने उस रिटर्न पे स्क्रूटिनी का नोटिस दिया 142 का, कौन सी तारीख को,
4 दिसंबर को कि अब हम आपके अकाउंट्स चेक करना चाहते हैं कि आपने ट्रांसफरर कंपनी के अकाउंट ठीक तरह से मर्ज किए हैं फॉर कंप्यूटेशन टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, उसको हम चेक करना चाहते हैं। इसलिए डिपार्टमेंट ने 143(2) का नोटिस दिया। वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने लिखा कि हम हमारी नोटिस वापस लेते हैं। क्या लिखा है? रिकॉल करते हैं, हम हमारी नोटिस रिकॉल करते हैं। ध्यान दें, हम क्या करते हैं, उसको रिकॉल करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो रिटर्न फाइल किया है दैट रिटर्न इज नल एंड वॉइड, आपका रिवाइज रिटर्न इनवैलिड है। अब रिटर्न ही इनवैलिड है तो उसके ऊपर फिर कोई असेसमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम आपका जो पुराना रिटर्न फाइल किया था स्टैंड अलोन, उसको ही हम वैलिड करेंगे, उसी टोटल इनकम को हम मान्य रखेंगे। आपने अमालगमेशन के बाद जो मर्ज करके रिटर्न फाइल किया है वो नल एंड वॉइड है, क्योंकि उसका टाइम लिमिट ऑलरेडी चला गया है। अगर आपको वो रिटर्न फाइल करना था तो आपको सीबीडीटी की परमिशन लेनी थी सेक्शन 119(2)(b) में फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, क्योंकि आप लेट हो चुके। तो उसकी सीबीडीटी की सर्कुलर है, उसके मुताबिक आपको क्या करना है, सीबीडीटी की परमिशन लेकर रिवाइज करने थे, लेकिन आपने कोई परमिशन नहीं लिया, इसलिए वो रिटर्न ही इनवैलिड है। रिटर्न ही इनवैलिड है तो उसके ऊपर असेसमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में सुप्रीम कोर्ट ने जो लिखा है वो लिखा है असेसमेंट बिकम इनफ्रक्चसियस। इनफ्रक्चसियस यानी देर इज नो नीड टू मेक असेसमेंट बिकॉज द रिटर्न इट्सेल्फ इज नॉट वैलिड, दैट्स व्हाई देर इज नो नीड टू गिव नोटिस एंड दैट्स व्हाई देर इज नो नीड टू कैरी आउट व्हाट असेसमेंट। अब मैटर क्या आया सुप्रीम कोर्ट में, एसएससी का क्या आर्ग्यूमेंट था, ध्यान से समझे। एसएससी का आर्ग्यूमेंट ये था कि हमने एनसीएलटी से अप्रूवल लिया है। जब हम अप्रूवल लिया हमने, तब डिपार्टमेंट को भी इंटीमेशन दिया गया था कि आपका कोई ऑब्जेक्शन है, एनसीएलटी ये अमालगमेशन अप्रूव कर रही है। लेकिन उन दिनों डिपार्टमेंट ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। उसी अप्रूवल की स्कीम में लिखा है कि हम रिटर्न रिवाइज करेंगे, तो भी डिपार्टमेंट ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। अब जब एग्रीमेंट में ही लिखा है तो फिर 119(2) का हमें अप्रूवल लेने की क्या जरूरत है? दैट्स व्हाई देयर इज नो नीड टू टेक अप्रूवल, दैट वाज द आर्ग्यूमेंट बाय होम टैक्स पेयर। तो पहले 119(2) क्या है, 119(2) आपको जानकारी है कि अगर कोई जेन्युइन हार्डशिप है टू एडमिट एनी एप्लीकेशन और क्लेम ऑफ एग्जेम्पशन डिडक्शन और रिफंड और एनी अदर रिलीफ आफ्टर द टाइम लिमिट इज ओवर, देन एसएससी कैन फाइल रिवाइज रिटर्न आफ्टर टेकिंग परमिशन अंडर 119(2)(b) ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट हैज पावर टू एडमिट बिलेटेड क्लेम ऑफ एग्जेम्पशन डिडक्शन रिफंड और एनी अदर रिलीफ। तो यहाँ एसएससी ने क्या किया था, जो अमालगमेटिंग कंपनी थी उसके लॉसेस सेट ऑफ लिए थे, इसलिए एसएससी ने रिफंड मांगा था। तो अगर कोई जेन्युइन हार्डशिप है तो डिपार्टमेंट सेज दैट वी एडमिट एप्लीकेशन, बट यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन अंडर विच सेक्शन 119(2)(b), ठीक है। इसके अलावा एक सेक्शन 170(b) इन्वॉल्व थी, सेक्शन 170 सबसेक्शन 1 ये कहता है सक्सेसर शैल बी टैक्स। तो यहां अमालगमेशन की अपॉइंटेड डेट क्या थी, याद करें 1 जनवरी 2015, मैं उसको रेड मार्क कर रहा हूँ, पे अटेंशन, कौन सी थी, 1 जनवरी 2015। तो 1 जनवरी 2015 के बाद सक्सेसर कौन हुआ, सक्सेसर हुई कंपनी। तो 1 जनवरी 2015 ऑनवर्ड्स सारी इनकम किसके हाथ में टैक्स होनी चाहिए, दालमिया पावर और दूसरी कंपनी के हाथ में। तो ये दो सेक्शन को लेकर झगड़ा था। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, ध्यान दें, ऐसे तो मैंने बता दिया लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट सेज स्कीम ऑफ अरेंजमेंट एंड अमालगमेशन बिटवीन द एसएससी एंड 9 कंपनी एनेबल्ड एसएससी टू फाइल रिवाइज रिटर्न आफ्टर द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट विदाउट इनकरिंग एनी लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेनल्टी एंड अदर सम। व्हाई? बिकॉज ऑफ सेक्शन 235 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रेड विथ फॉर्म नंबर CAA3 रेड विथ रूल 81 ऑफ द कंपनीज कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमालगमेशन रूल 2006 एंड दिस हैज बीन सेंड टू द डिपार्टमेंट। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इस एग्रीमेंट में 2013 के सेक्शन 230 सबसेक्शन 5 में जो एग्रीमेंट था वो एग्रीमेंट की कॉपी डिपार्टमेंट को दी गई थी, इट वॉज सेंड टू द डिपार्टमेंट। और उस एग्रीमेंट में लिखा था कि एसएससी कैन फाइल रिवाइज रिटर्न, ये आपको एग्जाम में लिखना है। इस एग्रीमेंट में लिखा था एसएससी कैन फाइल रिवाइज रिटर्न फॉर विच टाइम लिमिट इज एलैप्स्ड
एंड दिस रिटर्न इज विदाउट इंकरिंग लायबिलिटी फॉर इंटरेस्ट पेनल्टी और एनी अदर सम. हम कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे, पेनल्टी नहीं देंगे, एंड वी कैन फाइल रिवाइज रिटर्न. ऐसा स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में लिखा था और उसकी कॉपी डिपार्टमेंट को दी गई थी. तब सुप्रीम कोर्ट कहती है डिपार्टमेंट हैड नॉट रेज्ड एनी ऑब्जेक्शन. जब उनको 30 दिन का टाइम दिया गया था तब उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाया. और बाद में दिस स्कीम वॉज सेंसन्ड बाय एनसीएलटी एंड अटेंड स्टेचुरी फोर्स. तो सुप्रीम कोर्ट कहती है दिस स्कीम हैज बिकम नाउ बाइंडिंग टू हुम, इंटर से, इंटर से यानी बिटवीन एमालगमेटिंग एंड एमालगमेटेड कंपनी, बट ऑल्सो इन रैम. इन रैम मीन्स अदर पार्टी. अदर पार्टी कौन थी? अदर पार्टीज रजिस्टर ऑफ द कंपनी, वी कैन से देन अदर पार्टीज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अदर पार्टीज द क्रेडिटर्स, अदर पार्टीज द शेयर होल्डर्स. तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है इट इज बाइंडिंग टू एवरीबडी. तो सुप्रीम कोर्ट सेज इट इज ऑल्सो इन रैम. इन रैम मीन्स ऑल अदर पार्टीज हु आर अफेक्टेड बाई दिस एग्रीमेंट. तो सुप्रीम कोर्ट सेज दैट अपॉइंटेड डेट कौन सी है? 1 January 2015 है. तो बट लॉजिकल है कि ये एग्रीमेंट और ये स्कीम सारी लेट अप्रूव हुई, और लेट अप्रूव हुई दैट्स वाई रीड स्कीम विच इनकॉर्पोरेट प्रोविजन फॉर फाइलिंग रिवाइज रिटर्न बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट एंड दिस स्कीम केम इन टू फोर्स फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ 1 January. दैट्स वाई SSC हैज प्रॉपरली फाइल रिवाइज रिटर्न ऑन November 27, 2018. तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि SSC ने ठीक किया है, स्कीम के मुताबिक रिटर्न फाइल किया है. तो अब स्कीम में लिख दिया है और आपने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, इसलिए फिर 119 की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है. तो नाउ कंक्लूजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन. सुप्रीम कोर्ट सेज दैट सेक्शन 171 के हिसाब से फ्रॉम दिस डेट ऑनवर्ड्स डालमिया के हाथ में असेसमेंट करना पड़ेगा. डिपार्टमेंट हैज टू एक्सेप्ट रिवाइज रिटर्न. Why? Because of following reasons. Number one, 135, 139(5) would not apply. Supreme Court कहती है revised return वाली scheme ही apply नहीं होगी. Why? Because NCLT का agreement है and delay is due to time taken to obtain permission from the NCLT and it was impossible for the SSC company to file revised return before 31st March 2018 because NCLT had passed the order only on April 22nd. एंड 1st May 2018. तब तक ये रिटर्न 31 मार्च तक पॉसिबल नहीं था. दैट इज वन रीजन. एंड सेकेंड, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है 119(2)(b) वुड नॉट बी एप्लीकेबल. वाई? बिकॉज SSC हैड रिस्ट्रक्चर इज बिजनेस एंड फाइल अ रिवाइज रिटर्न विथ अ प्रायर सेंसन ऑफ NCLT एंड उस टाइम देर इज नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम द डिपार्टमेंट. तो आपको ये दो रीजन लिखना है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि SSC हैड करेक्टली फाइल द रिवाइज रिटर्न, यहां कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है. तो दिस वॉज द अनदर जजमेंट. लेट अस टेक ए स्मॉल टी ब्रेक. वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक.
Now we are reaching to the very important judgment of the Supreme Court, and that is last judgment, which is extra given in addition to May 20. The judgment is Genpec India Private Limited, reported in 419 ITR 440. Dhyan de. September 10, 2013, mein, amalgamation scheme was approved by the High Court, pursuant to which SSE bought back 750,000 shares at a rate of 35,000 per share for a total consideration of 2625 crore from its holding company. So this was one of the group company and it was a private limited company. They have done a buyback. And unke share kiske paas the? Holding company ke paas the. Aur 7.5 lakh share the. Unhone kharide 2625 crore mein. In their return of AY 1415, they declared this transaction, but they denied liability to pay any tax on buyback. Notice was given under 143(2). Assessment order was passed, rejecting the contention of the SSE that this transaction was not a buyback under 115QA, but buyback because of amalgamation approved by the High Court, and holding that SSE is liable to pay tax at 20% under 115QA on distributed income of 2625 crore. So fact kya hai? Buyback hua. Buyback was because of the amalgamation scheme approved by the Delhi High Court. अब झगड़ा क्या था? कंपनी ने बायबैक किए, उनकी शेयर होल्डर कौन थी? होल्डिंग कंपनी थी, 2625 करोड़ आए. कंपनी ने ये इन्फॉर्मेशन बताई इनकम टैक्स रिटर्न में, बट उन्होंने मना कर दिया कि 115QA हमें अप्लाई नहीं होगा, हम टैक्स नहीं देंगे. एसएससी ने, एसेसिंग ऑफिसर ने स्क्रूटिनाइज किया केस, और एसेसिंग ऑफिसर ने उनकी जो आर्ग्यूमेंट थी कि 115QA अप्लाई नहीं होगा, उसको अप्रूव नहीं किया. एसएससी का यह कहना था कि हाईकोर्ट की एमालगमेशन की स्कीम अप्रूव है, इसलिए 115QA इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज अ स्पेशल केस. एसेसिंग ऑफिसर कहता है कि मैंने 115QA पढ़ा, उसमें ऐसा कहीं लिखा है, कोई एक्सेप्शन नहीं है कि अगर एमालगमेशन होता है तो 115QA अप्लाई नहीं होती है. इसलिए एसेसिंग ऑफिसर ने बोला कि आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा 115QA में. अब हुआ क्या? एसएससी इससे नाराज हो गया. जेनपेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने हाईकोर्ट में रिट फाइल किया. फिर बाद में मैटर नहीं जमी हाई कोर्ट में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल किया. उनका यह कहना था कि यह हमारे साथ गलत हुआ है, 115QA में अप्लाई नहीं होगा, इसलिए उन्होंने क्या फाइल किया, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, रिट फाइल किया. अब जब रिट की सुनवाई हुई, तब डिपार्टमेंट की आर्ग्यूमेंट क्या थी, पहले मैं पढ़ लेता हूं. डिपार्टमेंट सबमिटेड दैट रेमेडी ऑफ अपील इज अवेलेबल टू द टैक्स पेयर, दैट्स व्हाई रिट शुड नॉट बी मेंटेन. SSE said that demand under 115QA is not a part of the assessment order. It is something separate from the assessment order, and therefore remedy of appeal is not available. That's why we are before the Supreme Court by a writ. अब ये क्या चक्कर है, मैं समझाता हूँ आपको. ध्यान दे, अपील का रूल क्या है? अपील का रूल ये है कि अपील कैन बी फाइल्ड ओनली फॉर दोज मैटर्स विच आर गिवन अंडर द एक्ट. यानी एक सेंटेंस बोल रहा हूं, ध्यान से सुने. राइट ऑफ अपील इज एन एक्सप्रेस राइट, इट कैन नेवर बी इंप्लाइड. यानी एक्ट में जो लिखा है उस लिस्ट को लेकर ही आप अपील फाइल कर सकते हैं. अगर एक्ट में नहीं लिखा है तो यू कैन नॉट फाइल अपील. ऐसा ब्रिटिशर्स ने रूल बनाया था. ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हिंदुस्तानियों को फेवर ना मिले, इसलिए उन्होंने एक्ट में लिखा उसके ऊपर ही आप अपील फाइल कर सकते हैं. उसके ऊपर अगर एक्ट में नहीं लिखा है तो उसके ऊपर आप अपील फाइल नहीं कर सकते. तो और अगर आप अपील फाइल नहीं कर सकते, आपके पास एक ही चारा बचता है, और वो चारा ये है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दैट यू कैन इनवॉक बाय फाइलिंग ए रिट पिटीशन. तो एसएससी का ये कहना था कि 115QA का ऑर्डर, उसके सामने सीआईटी अपील पॉसिबल नहीं है. नॉर्मली जब ऑर्डर निकलता है तो हम कहां जाते हैं? फर्स्ट अपील सीआईटी अपील, फिर सेकंड अपील ट्रिब्यूनल, फिर हाईकोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट. तो एसएससी का ये कहना है कि 115QA का ऑर्डर है, उसके लिए 246A में कहीं भी कुछ लिखा नहीं है, इसलिए अपील पॉसिबल नहीं है. अपील पॉसिबल नहीं, इसलिए हमने रिट फाइल किया. डिपार्टमेंट का यह कहना था कि अपील पॉसिबल है, इसलिए रिट शुड नॉट बी एंटरटेन. अब समझ में आया झगड़ा? तो झगड़ा क्या था? क्या 115QA को लेकर अपील सीआईटी अपील के सामने मेंटेनेबल है या नहीं है? तो आइए देखते हैं सीआईटी अपील का प्रोविजन. सीआईटी अपील के प्रोविजन बहुत लंबा लिस्ट है,
मैंने बताया राइट ऑफ अपील इज एक्सप्रेस, यानी जो लिस्ट में लिखा है उसको लेकर ही आप अपील फाइल कर सकते हैं, इट कैन नॉट बी इंप्लाइड, ऐसा ब्रिटिशर ने रूल बनाया था। उसमें से तीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा की है। 246A में लिखा है कि अपील से लाई फॉर नंबर वन ऑर्डर अगेंस्ट द एसएससी वेर एसएससी डिनाइज इज लायबल टू बी एसेस्ड अंडर दीज एक्ट, इंटीमेशन अंडर 143(1) ऑफ द एक्ट वेर एसएससी ऑब्जेक्ट टू मेकिंग एडजस्टमेंट, और ऑर्डर ऑफ एसेसमेंट अंडर 143 और 144 वेर एसएससी ऑब्जेक्ट टू द इनकम एसेस्ड और द टैक्स डिटरमाइंड और द लॉस कंप्यूटेड और द स्टेटस इन विच एसएससी इज एसेस। इन शॉर्ट ये तीन पॉइंट ये कहते हैं कि एसएससी कैन फाइल एन अपील, वन वेर एसएससी डिनाई कि आई एम नॉट लायबल टू पे टैक्स अंडर दीज एक्ट, नंबर टू इंटीमेशन के सामने जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो 143(1) में इंटीमेशन निकलता है, उसमें जो एडजस्टमेंट किए जाते हैं 6 एडजस्टमेंट उसको लेकर एसएससी को कोई ऑब्जेक्शन है तो ही कैन फाइल एन अपील, तीसरा 143 स्क्रूटिनी का ऑर्डर आया या 144 का ऑर्डर आया उसके सामने एसएससी कैन फाइल एन अपील विथ रिगार्ड टू इनकम एसेस, विथ रिगार्ड टू टैक्स, विथ रिगार्ड टू लॉस और विथ रिगार्ड टू स्टेटस। मान लो मैंने रिटर्न फाइल किया इंडिविजुअल में और ये बोलता है नहीं ये इनकम एचयूएफ की, उन्होंने मेरा स्टेटस चेंज कर दिया, देन ऑल्सो आई कैन फाइल एन अपील। अब सुप्रीम कोर्ट ने एनालिसिस किया है तीनों क्लोज का। इस तीनों क्लोज में खास करके सुप्रीम कोर्ट बताती है क्लोज टू और क्लोज थ्री जो है दिस इज अराइजिंग आउट ऑफ एसेसमेंट प्रोसीडिंग। पहले एक काम करता हूं मैं पढ़ लेता हूं फिर समझाता हूं मैं आपको, पहले मैं अंडरलाइन करता हूं। सुप्रीम कोर्ट कहती है क्लोज टू क्लोज थ्री इज अराइजिंग आउट ऑफ एसेसमेंट प्रोसीडिंग बट द फर्स्ट इज अ स्टैंड अलोन पोस्टुलेट एंड इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एसेसमेंट प्रोसीडिंग अंडर 143 और 144 and expression denies his liability to be assessed as held by Supreme Court in Kanpur call, बहुत पुराना judgment है, is very comprehensive to take within its fold every case where SSC denies his liability to be assessed under these act. अब क्या कहता है ये Supreme Court, ध्यान से सुन ले। Supreme Court ये कहती है कि number two जो है ये intimation है, वो return file करने के बाद कुछ adjustment किए जाते हैं, तो it is one kind of summary assessment. इंटीमेशन को क्या बोलते हैं, समरी असेसमेंट, ठीक है समरी असेसमेंट बोलते हैं, और 143 उसको क्या बोलते हैं स्क्रूटिनी असेसमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो पॉइंट टू और थ्री है दिस इज अराइजिंग आउट ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग, यानी हम मानते हैं कि अगर असेसमेंट हुआ है तो क्या होगा, अगर असेसमेंट हुआ है 143 में या 143(1) का इंटीमेशन निकला है तो आप अपील कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो फर्स्ट कंटिंजेंसी है, फर्स्ट कैटेगरी है ये वाली, वो क्या है, मैं पढ़ रहा हूं, ऑर्डर अगेंस्ट द एसएससी वेयर एसएससी डिनाइज इज लायबल टू बी असेस्ड अंडर दीज एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है फर्स्ट इज अ स्टैंड अलोन, इट डज नॉट डिपेंडेंट ऑन असेसमेंट, यानी फर्स्ट को लेकर असेसमेंट से कोई लेना देना नहीं। असेसमेंट होता है इनकम का, यहां एओ ने इनकम का असेसमेंट नहीं किया है, एओ ने 115QA की लायबिलिटी ठहराई है और एसएससी उसको क्या कर रहा है, डिनाई कर रहा है, उसको डिनाई कर रहा है 115QA की लायबिलिटी। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि फर्स्ट क्लोज में कोई स्क्रूटिनी असेसमेंट 143(1) की कोई जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट क्लोज में देखो, आप वापिस पढ़ो, मैंने ब्रेक मार्क किया पूरा, कहीं भी 143(1), 143(3), 144 लिखा ही नहीं है, इतना ही लिखा है एसएससी डिनाइज हिज लायबिलिटी टू बी असेस्ड अंडर दीज एक्ट, इतना ही लिखा है बस। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है इंडिपेंडेंट है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वही वर्ड को प्रेशराइज किया, डिनाइज हिज लायबिलिटी टू बी असेस्ड अंडर दीज एक्ट। कोर्ट सेज दैट इट कवर्स एवरी केस, दैट मीन्स इट कवर्स 115QA एज वेल, ठीक है, इट कवर्स 115QA एज वेल। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि 115QA, मैं कंक्लूजन पढ़ रहा हूं, इज ए वुड फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ फर्स्ट कंडीशन कॉल्ड ऑर्डर अगेंस्ट एसएससी वेयर एसएससी डिनाइज हिज लायबिलिटी टू बी असेस्ड अंडर दीज एक्ट। सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि ही इज डिनाइंग हिज लायबिलिटी अंडर 115QA, इसका मतलब ये क्लोज वन में फॉल हो रहा है, क्लोज वन में फॉल हो रहा है,
इसका मतलब कि उसकी अपील 246A में कमिश्नर के सामने पॉसिबल है, और अगर कमिश्नर के सामने अपील पॉसिबल है तो फिर आप कमिश्नर अपील के सामने जाइए, वहाँ हार जाओ फिर ट्रिब्यूनल में जाइए, वहाँ हार जाओ फिर हाईकोर्ट में जाइए, वहाँ हार जाओ फिर सुप्रीम कोर्ट में आइए। अननेसेसरली सुप्रीम कोर्ट का वक्त बर्बाद ना कीजिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जेनपैक्ट की जो अपील थी, रीट थी, उसको क्या कर दी, खारिज कर दी, डिसमिस कर दी कि भाई आप क्यू में आओ, सीआईटी अपील से होकर आओ, स्टेप बाय स्टेप आओ। तो आई थिंक यू आर क्लियर ऑन ऑल द फोर जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो नाउ आई एम एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन November 2020। वंस अगेन थैंक यू फॉर पेशेंट हियरिंग एंड लर्निंग इन डिटेल। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।